उनको आश्वासन देते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग देंगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी होगी। आपको मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं कोड़ों में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को बताया कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को लटते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आपके ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर के जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज़ की जरूरत या किसी भी चीज़, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं, मैंने हार नहीं मानी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से, मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो पढ़े ही पढ़े इस हमारे जिम के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स पढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जिम की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं था पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना तो जोड़ना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से, जो भी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी ससुराल में, मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार है, मैं ये मेरी कर्म भूमि है, मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ उसी कर्म भूमि को, मेरी माँ गंगे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही मान सम्मान प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सर आंखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था, मुझे पता है लेट हो गया है काफी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूंगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी स्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूंगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हों और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपने दुलाना के लिए नई शुरुआत करें। और बस ये जो दुलाना मैं भी देख रही हूँ, एक दो दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरे जन्मभूमि का जो मैंने नाम दिया है, मैं चाहती हूँ मेरी कर्म भूमि का मैं उससे भी बड़ा नाम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।